लैम्बोर्गिनी उरस पता नहीं जितनी गाड़ी होंगी। और फटका खुल, ये बहुत भाई यार, भाई का ड्रीम पूरा हो गया। देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ, अपने भारत की पहली गाड़ी है ऑफ रोडिंग लैम्बो। अच्छा, भारत की पहली गाड़ी है, अभी आई है, 5 दिन पहले आई जर्मनी से। देख सकते हैं आप लोग, मतलब वीडियो का मतलब ये था कि दिखाने के, जैसे बोल दिया तो फिर बहुत से लोग बोलते हैं भाई झोंक रहा है, मतलब भले ही शोरूम में खड़ी है लेकिन इसके जुगाड़ में है भैया लोग, कम से कम बंदा करा तो लिया भाई सूट। दे सकते हैं ये हमारा रीवा, यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग काफी अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे अच्छी बात ये है कि फ्री है। 3, 4, 5 फुव्वारे, प्यारा लग रहा है। अभी है मतलब सनसेट के बाद का व्यू है, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये हेलमेट लगा के बेगा का ब्लू ब्लू अपना प्रकाश आ गया है। आ चल जाओ। तो यहाँ पे गाइस दे सकते हैं, ये देखिए अपना तालाब ये दिख रहा है आपको, मतलब हमारे घर से कितना अच्छा, मतलब रात को भी काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आज सोच रहे हैं आपको थोड़ा व्लॉग करें। ये देखिए हमारे घर के पीछे पूरा, ये देख सकते हैं सनसेट और ये पूरा खेत, क्या ही अच्छा लग रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फ्रेम में देख सकते हैं हमारा काफ़ी पुराना मित्र है, कल इंदौर से आया है और देख सकते हैं लैम्बोर्गिनी चल रहा था वहाँ इंदौर में काफ़ी पूरा, मतलब जितनी भर गाड़ी है आप लोग इंस्टाग्राम में दिखा देंगे, अभी भी दिखा देंगे, झोंको लॉजी नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप लोग, अरे भाई फोकस तो हो जाए, ये देखिए लैम्बो, ये देखिए देखिए लैम्बो की भाई फोटो लगाया है भाई, मजाक से हट के भाई इसी का चेहरा देख सकते हैं आपको, और दिखाते हैं पूरी प्रोफाइल, आप मतलब समझ सकते हैं कि लैम्बो की पूरी, मतलब ये लैम्बोर्गिनी उरस पता नहीं जितनी गाड़ी होंगी, मैक्लारेन पोर्शे और रोल्स रॉयल्स, ये देखे पूरी और आगे भी है, मतलब आप, अरे यार ये फोकस क्या नहीं कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए आप भी अच्छे से क्या गाड़ियां हैं भाई। ये देखिए मतलब इंदौर में कहीं भाई के कांटेक्ट में थे ये पोर्शे, और फटका खुल, ये बहुत भाई यार, भाई का ड्रीम पूरा हो गया। देखिए इतनी सारी गाड़ियां, अपने भारत की पहली गाड़ी है ऑफ रोडिंग लैम्बो। अच्छा, भारत की पहली गाड़ी है, अभी आई है, 5 दिन पहले आई जर्मनी से। देख सकते हैं आप लोग, मतलब वीडियो का मतलब ये था कि दिखाने के, जैसे बोल दिया तो फिर बहुत से लोग बोलते हैं भाई झोंक रहा है, मतलब भले ही शोरूम में खड़ी है लेकिन इसके जुगाड़ में है भैया लोग, कम से कम बंदा करा तो लिया भाई सूट। तो यहाँ पे गाइस आज थोड़ा पार्क में दोस्त लोग आ रहे थे तो थोड़ा सोचा आज ब्लॉग भी बना लो, ब्लॉग बनाने का कारण ये था, ये देखिए यहाँ पे 143K व्यू चली गई है, ये देख सकते हैं, और एक और रील वायरल हुई है मेरी यहाँ पे इंस्टाग्राम में, आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ये देखिए यानी 670, मतलब इससे थोड़ा अपने को मोटिवेशन फील हुआ कि चलो आज फिर से रील बनाया जाए, मतलब आज वीडियो बनाएंगे यहाँ पे, तो सोचा चलिए आज प्रकाश को भी घुमा देते हैं, चलते हैं अब दोस्त फोटोग्राफी करेंगे, आज ब्लॉग भी थोड़ा दिखाएंगे और DSLR से फोटो शूट कराएंगे। और हेलमेट देख सकते हैं आपका, ये ब्लू ब्लू कलर का मंगवाया भाई, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है भाई, सहता हूँ फिर भी ठीक है चलो। तो यहाँ पे बाइक, ये प्रकाश की बाइक है ब्रांड रिन्यू, और यहाँ पे ये ब्लैक कलर का, ब्लैक ये मतलब वाइट कलर के करा है, बाकी अच्छे से फिनिशिंग नहीं किया है, ये ठीक अच्छा दिख रही है गाड़ी भी, चले चलते हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं ये अपनी बाउंड्री भी है, बस थोड़ा दिक्कत ये हो गया कि अपने को इधर मतलब गेट एक साइड का ही है, मतलब एक साइड और करना था गेट तो अच्छा होता, बिकॉज इधर साइड वाले लोग को उधर घूम के जाना पड़ता है। चलिए हो गया, दिखाते हैं फिर अपन, आप देख सकते हैं शाम के 5:30 हो गए हैं, काफ़ी अच्छा सनसेट का व्यू भी आ रहा है, यहाँ पे पार्किंग वार्किंग गाड़ी काफ़ी लगी है, चलिए यहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं, बाकी ये फ्री है पूरा, फ्री ऑफ कॉस्ट। देख सकते हैं ये हमारा रीवा, यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग काफ़ी अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे अच्छी बात ये है कि फ्री है, और यहाँ पे माई रीवा दिखा जो हम लोग रोज़ फोटो शूट कराते, सबसे दिक्कत ये मुझे लग रही है कि ये खम्भा आ जाते हैं सामने, मतलब इधर से तो ठीक, ये देखिए खम्भा में ड्रोन के वीडियो में भी दिक्कत की थी, कोई बात नहीं, चलिए अपने दोस्त का वेट करते हैं DSLR से, तो लाइट जल नहीं रही लेकिन देख लगे इस तरह फ्लिकर हो रही है, और आज अच्छी बात है कि अपना शाम होने से पहले ये लाइट जल गई है, कोई बात नहीं अच्छी बात। ये देख सकते हैं बाइक ले आ दिया है, यहाँ पर लगाओ,
यहाँ पे इसका गाड़ी का हेलमेट से मैचिंग कर रहा है ये ब्लू ब्लू। यहाँ पे सोच रहे हैं इसका फोटो शूट कर देते हैं। भाई काफी दिन से परेशान था, मतलब इतने से खींचो ना यार वीडियो, देखो इतने से यहाँ। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा आप लोगों को अंदर ये देखिए स्कॉर्पियो, मतलब ओल्ड वाली है ये, देखिए अपना रतहरा तालाब सनसेट में। और यहाँ पे पूरा ये चल रहा है, काफ़ी डीलर लोग भी हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा अपना ये, अपने को सबसे अच्छा ये देख रहा, मतलब रात को ना ये कलरफुल है। एक फाउंटेन है, दो फुब्बारा, तीन चार पाँच, पाँच फुब्बारे हैं। ये देखिए सनसेट में क्या प्यारा, एक बार आपको सिनेमैटिक घुमा के दिखाते हैं। ड्रोन शॉट भी थोड़ा आपको ऐड कर देंगे, बट वो ड्रोन शॉट जो है ना गाइस तो सुबह के लिया गया, अभी शाम को एक दिन फिर से आते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे सनसेट को दिखा देते हैं, ज़्यादा व्लॉग नहीं करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दो गेट बने, एक गेट वहाँ से, एक गेट वहाँ से बना है। यहाँ पे बुलेट में मैं शिफ्ट हो गया, भाई लोग हैं और यहाँ पे एक R15, एक ड्यूक 200 भी आ गई है। चलिए चलते हैं। अपना प्रकाश भाई जा रहा है, गांव से आया था, लेट हो रहा है और बुलेट में यहाँ पे काफ़ी प्यारी फोटो खींचे हैं। बाय। थोड़ा क्या है गाइस, देखिए ऑफ टॉपिक चले गए थे, क्या है कि यहाँ पे अपन वो कराए ना, तो यहाँ पे गाइस देख सकते ये ड्यूक है, फोटो शूट हो रहा है। थोड़ा ऑफ टॉपिक में आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ आ गए, अब क्या करें, थोड़ा काम पड़ गया था गाइस, क्या कर सकते हैं। ये देखिए ये सबसे वो वाली है, मतलब अब जो ड्यूक आ रही है तो उसमें कटा कटा टाइप के स्प्लिट वाली LED दी गई है। तो गाइस देख सकते हैं, ये देखिए शाम का व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है, अभी फ़ोटो शूट करा के आ गए हैं। सोचिए आप लोगों को शाम का व्यू भी दिखा दें, कि अल्ट्रा वाइड में कुछ सकते हैं, शाम को भी आपको दिखाते हैं क्या है। ये देखिए आप लोग ये सनसेट, ये पीछे का व्यू बहुत प्यारा लग रहा है, फिर दिखाते हैं आप लोगों को व्यू कितना प्यारा लग रहा है, मतलब सनसेट के बाद का व्यू है। ये देखिए ये फाउंटेन शो टाइप का टाइप लग रहा है, मतलब फुब्बारा इसको बोलते हैं, पूरा दुबई वाला फील आ रहा है जैसा, थोड़ा वहाँ पर भी फाउंटेन शो होता है। अल्ट्रा वाइड में एक बार दिखाते हैं, साला क्वालिटी कम है यार, आईफोन नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं, हो गया, कभी न कभी तो आएगा।